यूपी चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने गढ़ को बचाना है। प्रियंका गांधी अमेठी में प्रचार करने पहुंची और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि केंद्र सरकार देश की संपत्ति औने पौने दाम में उद्योगपतियों को बेच रही है, तो प्रदेश सरकार किसानों को बर्बाद करने पर आमादा है। प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और क्या कुछ कहा प्रियंका ने, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहें कि 5 सालों में उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है। अरे कौन सी धुन में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में मस्त है। अरे उत्तर प्रदेश में आप 1 किलोमीटर चल जाइए, चलिए गाड़ी से मत आइए, हेलीकॉप्टर से उड़ के ऊपर से देख लीजिए। आज मैंने देखा हर जगह छुट्टे जानवर है और आपको दिख नहीं रहा। इनकी हिम्मत कैसे हुई, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पद खाली रखे इन्होंने। हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाख रोजगार की घोषणा और वचन देके 4 लाख रोजगार नहीं बनाए। कैसे हिम्मत हुई, आपने हिम्मत दी। नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे, आपने हिम्मत दी, क्योंकि आप इस धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए हो और इस जाल में जब तक फंसे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे। विकास होगा इनका, सत्ता में रहेंगे ये, फूलेंगे फलेंगे इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, विकास आपका नहीं होगा। तो आज मैं यहां खड़ी होकर आपको बताने आई हूं, आंखें खोलिए, नींद से जागिए, जागरूक हो जाइए। आप नौजवान हो, इस देश का भविष्य हो, आप समझदार हो, माता पिता ने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है। मैं जानती हूं, जब मैं गरीब से गरीब घर में जाती हूं मुझे बताया जाता है कि दीदी हमने बहुत मेहनत से इनको शिक्षित किया। मैं गरीब से गरीब मोहल्ले में जाती हूँ, लखनऊ के मोहल्ले में मैं गई, वाल्मीकि मोहल्ले में, सफाई कर्मचारियों ने मुझे बताया कि दीदी जो भी है बहुत मेहनत की, लेकिन इनको पढ़ाया है हमने, ITI पढ़े थे, MA की थी, BSc की थी, किसी के पास रोजगार नहीं था, किसी के पास रोजगार नहीं था, क्योंकि आपने हिम्मत दे दी है सबको कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर तो भैया आपको वोट मिलना ही है। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं यहाँ खड़े होके। अरे जब आप संकट में थे तो कौन आया, ये लोग आए, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, मुख्यमंत्री जी आए, कष्ट किया इन्होंने, किसानों को कुचल डाला इनके मंत्री के बेटे में ने, 4 घंटे दूर लखनऊ से, लखनऊ में क्या हो रहा था, बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उद्योगपतियों की, वो मंत्री जिसके बेटे ने कुचल डाला वो तो मंच पे बैठे थे इनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ। ये हो रहा है आपके देश प्रदेश में और आप आंख मूंद के वोट दे जा रहे हैं। अरे बस करिए, बस करिए, जागरूक बन जाइए, सतर्क बनिए, आपको गुमराह करने की बात हो रही है। आप ऐसी राजनीति चुनिए जो आपके लिए काम करे। कल अगर मैं यहां आकर मैं घोषणा दे रही हूं आपको कि 20 लाख रोजगार बनाऊंगी, अगर नहीं बनाए तो मुझे भी हटाइए, यही तो आपकी जिम्मेदारी है, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब है सत्ता आपकी है, किसी नेता की नहीं है, वो तो उधार में ले रहा है आपसे, वोट दे रहे हो उसको, खड़ा कर रहे हो आप, और उसकी इतनी हिम्मत के आपके लिए काम नहीं करता और आके आपसे धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता है, जाति की बातें करता है, मत करने दो, बहुत हो गया है।